आज हेल्थ एशिया का थर्ड डे, आपको कैसा लग रहा है, कोई कमेंट देना चाहेंगे? देखिए, हेल्थ एशिया पिछले इससे पहले भी 18 साल से हो रही है और मैं हमेशा से इसका फ़ैन रहा हूँ कि यहाँ बहुत अच्छी एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं और सिर्फ दो पर्पस हैं। एक पर्पस तो ये है कि हमें एक दूसरे के बारे में पता चलता है कि कौन शख्स, कौन सी चीज़, कौन सी टीम, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा इदारा क्या कर रहा है। वो अपने इदारे को प्रमोट भी कर सकता है और अपनी सर्विसेज को भी प्रमोट कर सकता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर कि ये हमें एक मौका फराहम करता है कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। दो बातें तो ये हो गई, लेकिन तीसरा इसके साथ जो इसके साथ पैरेलल सेशंस एकेडमिक चल रहे हैं जो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, जो कि ख़ास तौर पे जो हमारे आम ज़िंदगी से मुतालिक हैं और या आम बीमारियों के मुतालिक हैं, जिसमें लोगों को भी, जनरल पब्लिक को भी अवेयरनेस मिलती है। और ना सिर्फ जनरल पब्लिक को अवेयरनेस मिलती है बल्कि बहुत सारे ऐसे एकेडमिक और बहुत साइंटिफिक इवेंट्स भी होते हैं जिसमें खुद जो उससे रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको या नर्सेज हैं या पैरामेडिक्स हैं, उनको भी बहुत सारी नई बातें पता चलती हैं और बहुत सारा वो जो अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस कॉन्फ्रेंस इज़ मल्टीपर्पज़ कॉन्फ्रेंस, उसका बहुत एडवांटेज है और इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। लम्स टीवी का इसका थर्ड डे है, इसमें हेल्थ एशिया में, तो आप इसके बारे में क्या कमेंट्स हैं कि ये जनरल पब्लिक के लिए इसमें क्या फ़ायदेमंद है? देखिए, लम्स टीवी एक बहुत नया इनिशिएटिव है। इससे पहले लम्स का जो FM रेडियो था वो तो हर जगह ही पहुंचता था, यानी दूर दराज के गांव और इन जगहों पे भी सब लोग उससे अवेयर होते रहते थे कि क्या चीज़ कैसे है। पब्लिक मेंटल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के लिए और पब्लिक मेंटल हेल्थ के लिए इस तरह की चीज़ें, जो पहले तो एक हमने रेडियो की तरह शक्ल में शुरू किया था जिसकी रीच बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब इन्होंने वेब TV बनाया है। वेब भी यकीन सी बात है बहुत कॉमन हो गया है और तकरीबन हर जगह, तो उससे यकीन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हम लोगों को तक पहुंचा सकेंगे जो रेडियो के ज़रिए नहीं पहुंचा पा रहे थे।